इधर मतलब जॉब के लिए अप्लाई किया, जॉब नहीं मिला, मतलब निबोश का क्लर्क नार का इधर ये जॉब का पेपर के बाद थोड़ा समस्या है। अच्छा हाँ, फिर मैंने लेंसेस लिया, अपना गाड़ी लिया, फिर अच्छा ओबर में आ गया। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना समर खान। तो दोस्तों, मेरे पीछे खड़ी है टोयोटा की कैमरी। तो ये ऊबर की कैमरी है क्योंकि इस पर देखिए नंबर प्लेट लिमोजिन की लगी हुई, तो इससे भी पता चल जाता है कि ऊबर है। तो ये लग्जरी गाड़ी में आती है और अच्छी गाड़ी होती है। तो दोस्तों, हम ये पता करेंगे क्या कैमरी चला के ड्राइवर को फ़ायदा होता है कि नहीं होता है, और ये भी देखेंगे ये इन्हीं की गाड़ी है या रेंट की गाड़ी है, अभी मैं जानता नहीं हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, भाई से बात करते हैं। तो ये भाई की कैमरी है, ये देखिए। तो भाई से बात करेंगे अगर भाई करेंगे। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम, कहते हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, फिर लोगों से बात करता हूँ। तो आपकी टोयोटा कैमरी देखी मैंने, सोचा आपकी गाड़ी को ये बहुत कम लोग चलाते हैं कैमरी। अच्छा, तो सोचा बस गाड़ी के बारे में पूछेंगे, थोड़ी बात करेंगे। क्या उधर आ सकते हैं? किधर? अंदर आ सकते हैं? अंदर आ सकते हैं। अच्छा, आ जाए। तो देखो, भाई ने कह दिया आ जाओ, और भाई पाकिस्तान के लग रहे हैं लेकिन पता नहीं। और आप लोग को ये गाड़ी दिखाएंगे इनकी, और ये पता करेंगे ये रेंट की है कि इनकी गाड़ी है, जिससे आप लोग का फ़ायदा होगा जो भी कैमरी लेना चाहते हैं। तो ये देखिए भाई, इस समय गाड़ी के अंदर जा रही, कुछ इस तरह की गाड़ी है और क्लीन गाड़ी है, आप देखिए। और कैमरी गाड़ी थोड़ा बड़ी गाड़ी होती है, और ये अरबी लोग यूज़ करते हैं इसको, सही कह रहे हैं भाई? हाँ। तो ये देखिए, अब कार के अंदर आ गए, अब हम भाई से बात करेंगे और पूछेंगे भाई कहाँ से हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई। अस्सलामुअलैकुम भाई, तो कहाँ थे? ठीक है भाई, मैं पाकिस्तान से हूँ। अच्छा, तो भाई आपका नाम क्या है? हसनैन अब्बास। हसनैन अब्बास, तो पाकिस्तान कहाँ से भाई? पाकिस्तान पेशावर के। अच्छा, या पेशावर के पास से? हाँ, पेशावर के पास कोरम एजेंसी। अच्छा, जिले कोरम। अच्छा, तो भाई ये बताओ, तो ये उबर में चलाते हैं टैक्सी ऐप में? टैक्सी ऐप उबर दोनों में चलाता हूँ। अच्छा, टैक्सी ऐप उबर दोनों चलाते हैं, तो काम किस में अच्छा है, टैक्सी ऐप में अच्छा है कि उबर में अच्छा है? उबर में अच्छा है। उबर में अच्छा है? उबर में। टैक्सी ऐप में कैसा काम चल रहा है? टैक्सी ऐप ये तो नहीं, इसमें कंप्लेंट भी नहीं होते हैं, मतलब कस्टमर आपसे पैसे लेते हैं, मतलब भाग जाए तो फिर इसमें कंप्लेंट वम्प्लेंट है, दोबारा पैसे आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, उबर में मिलेगा। टैक्सी ऐप वालों का यानी ये है कि आपके पैसे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कोई इसका ऑफिस नहीं है अभी क्या? इधर आप इसमें ऑफिस में ऑनलाइन इसको चालू करना पड़ता है? अच्छा, टैक्सी ऐप यानी ये है, इसलिए बहुत फायदा कम है क्योंकि अभी इसका ऑफिस नहीं है, लेकिन आप लोग चलाते हैं। चलाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कस्टमर से कोई कांटेक्ट नहीं हो सकता है, अगर नंबर है तभी हो सकता है, तभी हो सकता है, नहीं तो अगर कोई गलत सलत करेगा तो अपनी, मतलब आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, मेरा। लेकिन और उबर में तो यहाँ पे उबर में ऑफिस है, उबर का बहुत अच्छा सिस्टम है। अच्छा, तो भाई ये बताइए, आपको कितना टाइम हो गया कतर में? कतर में मेरा 7 महीने हो गया। 7 महीने हो गए? तो 7 महीने से आप ये उबर ही चला रहे हो? नहीं, 7 महीने मैं अभी ये दूसरा महीने, 2 महीने पूरा हो गया, तीसरा स्टार्ट है मैं टैक्सी चला रहा हूँ। उससे पहले आप क्या करते थे भाई? मैं पहले पाकिस्तान में था, मैं स्टूडेंट था उधर। अच्छा, स्टूडेंट? माशाल्लाह, क्या क्वालिफिकेशन है? मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ। अच्छा, तो भाई आप ये उबर मतलब क्यों आपने चूज किया? इधर मतलब जॉब के लिए अप्लाई किया, जॉब नहीं मिला, मतलब निबोश का क्लर्क नार का इधर ये जॉब का पेपर के बाद थोड़ा समस्या है। अच्छा। हाँ, फिर मैंने लेंसेस लिया, अपना गाड़ी लिया, फिर उबर में आ गया। यानी आपने यहाँ आए थे जॉब करने, तो जॉब नहीं मिली तो आप उबर चला रहे हैं? अबे उबर चला रहे हैं। तो ये आपको सलाह कितने दी, किसी दोस्त ने या किसी फैमिली में? नहीं, हमारा जो दोस्त है, रोमेट है, ये सारे मतलब टैक्सी चलाते हैं, उबर चलाते हैं। उबर चलाते हैं। तो अभी आपको क्या लग रहा है, जॉब करना सही था कि उबर चलाना सही है? जॉब तो अच्छा है ना, ये टैक्सी में ऐसे मतलब बेतमीज लोग भी मिलते हैं आपको, अच्छे लोग भी मिलते हैं, ये टैक्सी है ना, रिस्क भी ज्यादा है एक्सीडेंट का। अच्छा, काम का भी पता नहीं चलते है, एक दिन अच्छा एक दिन खराब। ये टैक्सी टैक्सी क्लाइंट ये मुझे पसंद नहीं है। हाँ, वही है कि आपने जब एजुकेशन करी है, कितनी क्या बताया आपने क्वालिफिकेशन? मेरा मेरे पास IGC मतलब निबोश का डिप्लोमा है। अच्छा, DAT का डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिशियन का। ये क्या इंजीनियरिंग होता है? नहीं, ये इंजीनियरिंग नहीं है, ये मतलब ये शॉर्ट कोर्स है इलेक्ट्रिशियन का।
कोर्स करे हैं और उसके बाद आपने जो पढ़ाई करी वो कहाँ तक करी है? सेकेंड ईयर कंप्लीट किया है। सेकेंड इंटर इंटरमीडिएट। इंटर के बाद आपने कोर्सेज करे हैं? मैंने इंटर के थोड़ा बाद... आपने हिंदी में बता सकते हैं कि कौन कौन से कोर्स करे हैं या मतलब किस मतलब निबोस क्या होता है? निबोस ये सेफ्टी एचएससी ऑफिसर होते हैं ना जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो सेफ्टी ऑफिसर होते हैं ऑयल गैस का जो सेफ्टी होते हैं ना सेफ्टी ऑफिसर। अच्छा कई साल आपने कोर्स में करे हैं जो करे हैं बाद में कई साल लगे इंटर करने के बाद कोर्स में? मतलब ये जो आपने कोर्स करे हैं छोटे छोटे तीन चार ये कितना टाइम लगा था? ये निबोस में मेरा 3 महीने लग गया निबोस और इलेक्ट्रिशियन का 6 महीने का कोर्स था। अच्छा और डीएटी का एक एयर का वो डिप्लोमा है। अच्छा डिप्लोमा लिया आपने कोर्स करे इंटर के बाद आपने पढ़ाई अलग करी यानी जो जॉब के कोर्स होते हैं जिस फील्ड में आपको जाना था जो आपकी हॉबीज थी। तो अच्छा ये बताइए उबर में आपको कैसा काम हो रहा है? अभी ठीक नहीं चल रहा है ना। अच्छा आप कितना कर लेते हैं डेली? डेली होते हैं 200-250 रियाल। 250 हो जाता है। अच्छा ये कैमरी गाड़ी है तो ये आपकी गाड़ी है कि रेंट की है? ये मेरा अपना लिया है मैंने। अच्छा नई गाड़ी ली थी पुरानी? ये 21 मॉडल है। 21 मॉडल है आपने गाड़ी। कितने की पड़ी भाई ये? कितने की ली आपने? ये मुकम्मल 82,000 रियाल। 82,000 रियाल 82 रियाल 82,000 रियाल। हाँ 82,000 रियाल की आपको ये गाड़ी पड़ी है। लोन लिया कि कैश? नहीं ये लोन लिया है ना। अच्छा किसी डाउन पेमेंट किया हुआ है? डाउन पेमेंट करके डाउन पेमेंट। अच्छा सेकंड हैंड गाड़ी थी? सेकंड हैंड। सेकंड हैंड गाड़ी करके भाई ने ये कैमरी ली है। बताइए 82,000 की कैमरी ये चला रहे हैं तो कितनी लागत इन्होंने लगाई है? तो महीने में आपने कैश कितना दिया था इसमें? मैंने पहले 21,600 डाउन पेमेंट किया। 21,600 डाउन पेमेंट। और महीने में किस कितनी आती है? स्टेकर ए टू जेड ये आते हैं 2100 रियाल। 2100 रियाल की किस्त है भाई की? तो भाई आप 200-250 का काम करते हो तो इसमें पेट्रोल भी डेली लगता होगा? डेली। हाइब्रिड नहीं है ना ये? हाइब्रिड नहीं है तो ये डेली तो पेट्रोल ज्यादा खाती है ना ये तो 2.5 इंजन है ना। कितना पेट्रोल लगा? गर्मी भी बहुत ज्यादा है इसी का भी अभी। अच्छा कितना पेट्रोल लग जाता है? ये दिन मैं 12 घंटे चलाता हूँ ना। अच्छा 55 रियाल मतलब 40 से लेकर 60 तक के। 40 से लेकर 60 तक का पेट्रोल लगता है वो भी आप गाड़ियों में लगता है बंद रखते हैं खड़ी रखते हैं पेट्रोल के लिए? नहीं मैं अभी मैंने थोड़ा सा बंद किया है ना। वही कह रहे हैं मैं ये डेली स्टार्ट हुआ है सुबह से लेकर ये 4 बजे स्टार्ट होते हैं। अच्छा अच्छा तो भाई ये बताइए कि खर्चा पूरा आपका रहता है? रूम का क्या है? रूम का ये अलग सिस्टम है मतलब ये अपना सिस्टम है। अच्छा तो खा पी के आप महीने में कितना बचा ले रहे हैं? मेरा तो अभी दूसरा महीने ये हो जाते हैं मतलब 4-5 हज़ार तक। 4-5 हज़ार खा पी के बचा लेते हैं। किस निकाल के? हाँ ये सब कुछ निकाल के 4 हज़ार बचा लेते हैं। ईमानदारी से बताइए क्योंकि लोग देखेंगे वो सोचेंगे इतना बचा नहीं ये इतना होते हैं ना। अच्छा 4 हज़ार अपना गाड़ी में अपने गाड़ी वो मैंने वो 4 बजे के बाद किसी और को दिया है ना। अच्छा वो मुझे 1600 रेंट वो देते हैं। 4 बजे से लेके आपने कई बजे तक वो चलाता है? नाइट शिफ्ट दूसरी को दिया है ना। अच्छा नाइट शिफ्ट अलग चलाता है वो कई बजे तक चलाता है? वो कितने बजे से कितने बजे तक चलाता? 12 घंटे वो ड्यूटी करते हैं 12 घंटे। अब जाके 4 हज़ार तक बच जाता है। तो दो ड्राइवर इनकी गाड़ी ये चलाते हैं यानी 2,000-2,500 ये बचा लेते 1600 वो देता है। जो मेरा जो कष्ट है ना वो 1600 से लेते हूँ 600 मैं उसमें ऐड करता हूँ 2100 पूरा। तो भाई आप देखिए ऐसे काम होता है पढ़े लिखे लोग और दिमाग से जो काम लेते हैं। इन्होंने गाड़ी ली लेकिन माशाल्लाह मेहनत और जद्दोजहद करके गाड़ी इन्होंने रेंट पे भी अपनी दे के रखी। नाइट ड्यूटी में चलाते हैं एक दूसरा आदमी नाइट ड्यूटी में चलाता है। तो भाइयों ये बताओ कि अभी आप कोई मैसेज देना चाहते हैं नए लोग जो आना चाहते हैं कतर? कतर अभी सिस्टम थोड़ा सा थोड़ा जल्दी में ये अभी जो काम है ये डाउन है ना। सारे जो कंस्ट्रक्शन है ये सारे बंद है। जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। अच्छा तो भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। अपना ख्याल रखिए और अच्छे से गाड़ी चलाइए आराम से और कतर को भी साफ सुथरा रखिए। कतर बहुत अच्छी जगह है। बहुत अच्छी। चलिए ठीक है भाई। ओके बाय। ओके भाई। तो दोस्तों ये थी ट्यूटा कैमरी कार और मैंने भाई से बात करी। भाई ने बहुत अच्छे से बात करी और भाई यहाँ पे जो आए थे वो जॉब करने आए थे लेकिन भाई को जब जॉब नहीं मिली तो इनके रूममेट टैक्सी चलाते थे तो इन्होंने अपनी
ऊबर में टैक्सी ले ली और अभी ये टैक्सी चला रहे। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, जितने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ओके बाय, थैंक यू।